बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा किया है। आगामी समय में लोकसभा चुनाव होना है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम देखने को मिले, इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी बीजेपी के द्वारा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए चुनाव में देखा गया है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसका रिजल्ट अलग रहता है। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अपने नेताओं से कह रहे हैं कि ईवीएम तो चुनाव नहीं, कांग्रेस पार्टी जैसे बड़ी पार्टी को ये आने वाले समय में जब बड़ी बातें होंगी तो ये होगा कि अगर ईवीएम देश में चुनाव ईवीएम से होता है तो कांग्रेस पार्टी को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मामला है, सोचना है, क्योंकि मुझे लगता है, जितना मैं समझता हूँ, कि ईवीएम में 100% सेटिंग है। इसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है, ये इंटरनेट से, नेट के माध्यम से होता है, ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से होता है, इसलिए इसमें कोई भी लोग इन्वॉल्व नहीं है, कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, केवल जो नेट है वहाँ से ये मैनेज होती है मशीन, क्योंकि जब आप मोबाइल को कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, एक मशीन में लगा हुआ चिप आप कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं।